स्वागत है आप सभी का मेरे शो में, जिसका नाम है माती मसाला और मैं हूँ आरजे तारा। और यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का दिन बेहद ही खास है और आज के दिन हम मिर्गी दिवस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यस, जितनी बातें मैं आपको बता रही थी मिर्गी के बारे में, ठीक है, तो वही बातें हम जानेंगे आज, जो कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उमेश टी। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उमेश टी, जो कि स्पेशलिस्ट है एपिलेप्सी में, स्ट्रोक, हेडेक, न्यूरो और मस्कुलर डिसऑर्डर में। सो यहाँ पर हम ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि आज के दिन हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और यस, हमारी जो प्रॉब्लम जब भी कोई प्रॉब्लम की बातें होती है तो या तो हमको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता है या फिर फीस भी भरनी पड़ती है ना, ऐसे हो के ही फिर हम वो प्रॉब्लम से निकल पाते हैं। सो यहाँ पर आपको बिना अपॉइंटमेंट के ही, बिना फीस के ही आप डॉक्टर से मिलने वाले हैं, जो कि मेरे साथ है डॉक्टर उमेश टी। सो सर, जैसे कि आज नेशनल एपिलेप्सी डे है, जिसे हम मिर्गी दिवस कहते हैं, और मैंने जब से अपने लिसनर्स को बताया है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था और किस वजह से इसको स्टार्ट किया गया है, अब मैं जानना चाहूँगी कि मिर्गी का ये जो दौरा पड़ता है, सो ये ये जेनेटिक होता है, यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी। सभी को अब एक बार मेरा नमस्कार। आज जो है नेशनल एपिलेप्सी डे जो है मनाया जा रहा है जी। एपिलेप्सी डे जो ये होती है कि ये मिर्गी कहते हैं हमें, इसे जो है दूसरे लफ्जों में हम जानते हैं इसे, मिर्गी कहते हैं, सोन कहते हैं, फिट्स बोलते हैं इसे, एपिलेप्सी कहते हैं, ये सभी का अर्थ एक ही होता है। तो ये मकसद तो एक ही होती है हमें, ये जो डेज जो बनाते हैं हम, नेशनल डेज और वर्ल्ड डेज जो बनाते हैं, ये हमें इसके लिए बनाते हैं कि हम जो हैं इसे हम कैसे पहचाने और इसके मिथ्स जो कहते हैं हमें, जो गलत फहमियाँ जो हैं, इसे कैसे दूर करें, हाँ रूमर्स जो होते हैं उसे कैसे दूर करें हम इसे, और इसे कैसे हमें रोकें और कैसे ट्रीट करें, इसके बारे में आज जो है हम जानना चाहते हैं जी। तो मिर्गी जो ये होती है, हम सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेन जो है इट्स कॉल्ड कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर में जो है नेटवर्क होती है और इसका एक कैपेसिटी रहती है। ये नेटवर्क जो है हमें एक स्पेसिफाइड बोले तो एक जो है पर्टिकुलर वे रहेगा, वो वे पे ही हमें ये कनेक्शंस रहेंगे। सही। तब मिर्गी में क्या होती है कि ये कनेक्शन जो है हमें एबनॉर्मल कनेक्शन से मिल के जुड़ के, जहाँ जो है आउटबर्स जो होती है वो नेटवर्क, इन स्मॉल वर्ड में हमें ये कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट जो कहते हैं हमें इलेक्ट्रिक का, वैसे ही हमें ब्रेन में जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थोड़े से वक्त के लिए न्यूरॉन्स जो कहते हैं, नस जो कहते हैं, बर्स्ट होते हैं। ये बर्स तभी होते हैं तो हम जो हैं इसे फिट्स के द्वारा देखते हैं हम इसे। सही। तो ये फिट्स जो हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट फिट्स रहेंगे, तो ये डिफरेंट फिट्स कैसे आते हैं हमें, तो ब्रेन में क्या है कि डिफरेंट एरियाज रहेंगे हमें, डिफरेंट एरियाज जो हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा एक पर्टिकुलर एरिया ब्रेन में जो है एक्टिव होती है। सही। जैसा देखने का एरिया, सुनने का एरिया, हाथ हिलाने का एरिया और सोचने का एरिया और डर, ये सभी का जो है ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज रहते हैं जी। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज तब वो एक्टिव रहता है तो ये नॉर्मल काम करता है। तो अगर इस एरिया पे हमें एबनॉर्मल बर्स्ट होती है न्यूरॉन्स, तब जो है उसी तरह हमें फिट्स आते हैं हमें जी। तो ये फिट्स में हमें जो है, जैसा मेजर फिट्स एंड माइनर फिट्स बोल के कहते हैं, मेजर फिट जो है हम देखते हैं कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल जो रहते हैं कि नीचे गिर के हाथ पैर जो है झटका के, मुंह में जाग आके और आंखें जो है ऊपर करके बेहोश हो जाते हैं, वो जो है मेजर फिट्स कहते हैं जी। कुछ लोगों बॉडी भी शेक होने लगती है। यस, हाथ पैर जो है ऑलमोस्ट झटकाते हैं जैसा शेक हो जाता है, और समटाइम्स जो जीप काट लेते हैं, समटाइम्स यूजुअली दे लूज देयर यूरिन कंट्रोल एंड यूरिन पास कर लेते हैं। ये जो है अटैक हमें मैक्सिमम जो है 2 मिनट रहेगा, वेरी रेयर केसेस में जो मोर देन अबाउट 10 मिनट्स 15 मिनट्स होती है, तो ये 2 मिनट्स में तभी हमें बेहोश होके, आंखें ऊपर होके, मुंह में जो है फ्रॉद आके, हाथ पर झटकाने के टाइम पे, ये याद रखें हम सभी लोग कि कोई इंडिविजुअल को ये होता है तो वो इंडिविजुअल ब्रीदिंग नहीं करता उस टाइम पे, ब्रीदिंग रुके रहता।
तो ब्रीदिंग जो है, फिर ब्रेन जो है इट्स अ सुपर कंप्यूटर, ब्रेन जो है अपने खुद के लिए तब उसको जो है ब्लड प्रेशर जी, ब्लड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कब बंद हो रहता तो उस टाइम पे वो खींचने के लिए आदमी को रोका देता, फिट्स होना आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो हमें फिट्स जो है अचानक आ जाएगा और अचानक जो है रुक जाएगा। तो ये 2 मिनट्स का जो अंतर जो रहती है, 2 मिनट्स तक ब्रेन को जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि मिर्गी का दौरा जब होता है तो लाइक मेरे को ऐसी नॉलेज है थोड़ी सी, आप थोड़ा सा उसको करेक्ट भी कर दीजिए अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, कि अगर ब्लड जो है वो ब्रेन के कोई कोई हिस्सों में सर्कुलेट नहीं करता है, वहाँ पर जो है ना वो क्लॉटिंग उसकी हो जाती है, तो इसके वजह से भी नो उसका एक कारण होती है हमें जी, लेकिन जो है ब्लड सर्कुलेशन रहेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हमें ऑक्सीजन बहुत कम रहेगा उस टाइम पे मिर्गी के टाइम पे जी। तो फिर हमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए या जो जख्म जो होती है, इंजरी जो होती है ब्रेन में, वो रोकने के लिए ब्रेन जो है मिर्गी को रोकेगा, 2 मिनट्स में रोकेगा। 2 मिनट्स में रोकने के बाद आदमी जो है फिर सांस लेना शुरू करेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, फिर ब्रेन सर्वाइव होती है। अगर मिर्गी जो है 2 मिनट के अंदर स्टॉप होती है तो इट इज दैट वे। तो ये मेजर अटैक्स में होती है। तो हम जो देखते हैं माइनर अटैक्स जो कहते हैं, माइनर अटैक्स जो हैं इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम, बोले तो क्या है कि ये जो हैं मेजर जो रहा सो हमें खाली 30% रहेगा, बाकी के 70% 60% जो हैं माइनर अटैक्स रहते हैं वो। माइनर अटैक्स में क्या होती है मैं बताऊंगा, ये सभी लोग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है माइनर अटैक्स में क्या है कि अब सभी देखते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, एबसेंट माइंडेड रहेगा, स्कूल नहीं जाता है, तो पढ़ाई में स्कोर मार्क्स कम लेता है वो। तो इसमें हमें ये मालूम करना चाहिए कि बच्चों जो है इन अटेंटिव रह रहा है क्या। ऑन गोइंग एक्टिविटी जो रहता है, ऑन गोइंग एक्टिविटी जो ये होती है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो इमिजिएटली जो है उसे स्टॉप करेगा, एबसेंस हो जाएगा, अलूफ रहेगा, एबसेंट माइंडेडनेस कहते हैं, और एक जगह जो देखते रहेगा तो वो कंटिन्यू वैसे ही देखते रहेगा अबाउट 20-30 सेकंड्स के लिए। इसे हम जो है एब्सेंस अटैक्स कहते हैं। ये एब्सेंस अटैक्स जो है क्लस्टर्स में आ जाते हैं, क्लस्टर में बोलते क्या है मोर देन 10-15 इन मॉर्निंग आवर्स। तो उस टाइम पे जो है बच्चों को जो बात करना हो, सुनना हो, सीखना हो, समझना हो, कम्प्लीटली डिवॉइड रहेगा, बोले तो उसे नहीं समझेगा कुछ भी। अच्छा, ये आप जैसे बता रहे हो कि ये बच्चों में ये सारी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, सो ये बाय बर्थ ही ये सब रहेगा? नो, हमें जो है इसका वजह जो जानने के लिए, इसके कारण जो समझने के लिए आई थिंक विल कम बैक टू आफ्टर सम टाइम नाउ। तो पहले जो है टाइप्स जो समझेंगे हम। Fine. तो सो दैट सभी यू नो व्हाट यू कॉल ऑडियंस के लिए ये इजी रहेगा जी. कि हमें कौन से डॉक्टर को कब पहचाने, कब पूछे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सर हम एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, किन से बात हो रही है? जी मैं अब्दुल कदीर बात कर रहा हूँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कदीर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर। सर मेरे फैमिली में 2 जनों को है सर, फीस जो आते ना सर। हाँ तो एक दिन है तो ऐसे बैठे बैठे खामोश रहते थे, एकदम बात ही नहीं करते, जबान ऐसा यूं करके एकदम ऐसा कर जाते ना सर, कोई करंट मारता देखिए। करेक्ट। हाँ वैसा करंट मारता था बढ़ जाते, और एक मेरे साढ़ू है उनको गिर जाते सर, बहुत तकलीफ होती है सर मेरे को देख के। कभी भी फंक्शन में एक बार देखा ना, ऐसा बुरा गिरे सर जैसा एक पत्थर गिरता है ऊपर से, उनकी आवाज आई एकदम। कदीर मैं बताऊंगा ये जो है माइनर अटैक्स कहते हैं इसे। ये माइनर अटैक्स में क्या हो जाता है कि ब्रेन थोड़ा सा सेकंड्स के लिए 10-20-30 सेकंड्स के लिए जो है ब्रेन रुक जाती है जी। तो उस टाइम पे जो है पेशेंट सडनली ग्राउंड पे गिर जाएगा, और कुछ लोग जो है वैसे रह जाएंगे लेकिन एबसेंट रहेंगे, डिस्कनेक्टेड रहेंगे। तो उस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज जो है उन्हें नहीं समझ सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे, नहीं सीख सकेंगे। तो इसमें क्या होता था, तब गिरते हैं तो इंजरी हो जाएगा, दे आर कॉल्ड एब्सेंस अटैक्स और एटोनिक अटैक्स कहते हैं इसे जी। तो इसके लिए जो है जैसा कदीर अभी बता रहे थे मैं, तो ये इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा। इसके लिए छोटे से टेस्ट होते हैं, वो कौन से ब्रेन से आ रही है, कौन सी जगह से आ रही है, ये वो पहचान के उसे जो है प्रॉपरली मेडिकेशन लेना चाहिए। और अभी एक बता रहा हूँ जैसा कदीर बता रहे थे जी। तो ये जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। कभी इसे ये ना समझे हमें कि ये जो है हम वंश परंपरा से आ गई है या कुछ हमें मिथ से आ गई है, कोई हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो मिथ्स है हमें, ये जो है हमें रोकना पड़ेगा, ये ऐसी सोच रोकना पड़ेगा हमें। ये कम्प्लीटली क्यूरेबल डिसऑर्डर्स हैं, इसे जो है करेक्ट डॉक्टर को मिलके उनके सलाह लेना चाहिए। सही सर, अभी जैसे आप बता रहे थे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है
ठीक है, और आसपास उसके बहुत सारे लोग होते हैं, अक्सर हमने रोड्स पर देखा है कि काफी सारे लोग गिर जाते हैं और वो झाग सब आते रहता है, तो उतनी देर में लाइक आप वो पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने में आप फिर क्या करेंगे वहां पर के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो सांस नहीं लेता है आप ये बता रहे हैं, तो वो सुनेगा भी नहीं हमको, तो फिर किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? यस, इसके लिए जो है मैं नौ हम अब तक तो लास्ट दो मिनट में हम ये समझ लिए कि मिर्गी जो है अचानक आ जाएगी और दो तीन मिनट रहेगी और स्टॉप हो जाएगा जी, तो उस टाइम पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि पेशेंट सांस नहीं लेते रहता। ओके, तो हम क्या करना चाहिए, तभी पेशेंट को देखते हैं रोड पे कोई आदमी जो है बेहोश होके गिर के हाथ पैर झटकाते रहते हैं वो, तो उस टाइम पे हमें मालूम होना चाहिए कि ये मिर्गी अपना अपने रुकेगा। अच्छा, दो मिनट में अपना अपनी रुकेगा। हाँ। और उसके लिए हम जो हैं उनको टर्न करना चाहिए जी, क्योंकि क्या है हम तभी लेटते हैं जी, चित होके तभी लेटते हैं, तो हम ये जो है हमें देखे जो झाग आ जाएगी मुंह में, तो हाँ। जो भी सलाइवा रहता मुंह में वो सलाइवा जो है ट्रिकल होके लंग्स में निकल जाती है। अच्छा, तो लंग्स में तभी निकल जाती है, तो हमें एस्पिरेशन होके फिर कॉम्प्लिकेशन होके ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो आदमी रोड पे जो है अचानक से जो फिट्स आती है तो उनको एक साइड लेफ्ट या राइट शोल्डर पे टर्न करना चाहिए जी, टर्न करके उनको वैसे ही रोकना चाहिए, उनके हाथ पैर वो जो झटकते रहते हैं उनको हाथ छीना नहीं चाहिए। अच्छा, उनके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं हटा देना चाहिए कि उन्हें जो है इंजुर ना हो जाए। सही, और एक दो मिनट में रोकना चाहिए, पानी नहीं पिलाना उनको, क्योंकि एक दो मिनट में उन्हें होश आ जाएगा उनको जी, और उन्हें ही उठ के बैठेंगे तब आई टू आई कांटेक्ट आ जाता है, वो नजर में नजर मिला के तभी बात करना शुरू करते हैं, तो तब पानी देना चाहिए, तब तक नहीं देना चाहिए। अरे वाह, और सभी जो हैं इत्मीनान से दो मिनट अगर रोकते हैं तो ऑटोमेटिकली फिट्स रुक जाती है। सर ऐसा भी तो देखा गया है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है तो लोग जो है वो कुछ लोहे की चीज उनका हाथ खोलने को पहले तो ट्राई करते हैं, वो इतने ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे खोले और उनके हाथ में लोहे की कोई चीज जो है वो देना चाहते, तो कीज वगैरह होती है तो वो देते हैं, या फिर ये भी मैंने देखा है कि स्लीपर्स वगैरह जो होते हैं, शूज जो होते हैं, उसको सुंघाने की वो कोशिश करते, तो क्या ये सच में करना चाहिए ऐसे? आज की जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम ई मिथ को मिटाने के लिए बैठे हैं हम। हाँ। तो इसमें क्या है कि हम जो है इससे पहले जो ये समझे और चलते आ रहा है सालों से, हजारों सालों से ये कि तभी फिट्स आती है तो उनको जो है लोहा दे दे, चप्पल दे दें, कुछ भी है ना लकड़ी दे दें, ये करना बहुत ही बहुत नहीं गलत है ये चीज, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज ये सीखे हैं कि फिट्स अपना अपने रुकेगा। अच्छा। तो उनको टर्न करके जो फिट्स रोकने तक वेट करना चाहिए जी। अगर फिट्स जो है दो मिनट से, वेरी रेयर केसेस में होती है, दो मिनट से भी अगर ज्यादा होती है फिट्स वो जी। तो जो है हमें ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन जो है जख्म होती है, इंजुरी होती है, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उस टाइम पे। लेकिन ये जो है हम जो चाबी देना हो, लोहा देना हो, या स्लीपर्स देना हो, या समटाइम्स मैं ये भी सुना हूँ कि ऑनियंस भी देते हैं। अच्छा, ऑनियंस ऑल्सो दे गिव इट नाउ इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे महाराष्ट्र में हो वो देते हैं, तो ये देना एकदम गलत है, हम नहीं देना चाहिए ये। ओके, एंड देन इट्स अ मिथ नाउ, और ये जो है हम गलत सीखे हैं और इसे रोकना पड़ेगा, हमें नहीं करना चाहिए। सही सर, जैसे कि अभी हम मिर्गी के दौरे के जिसको हो जाता है वो पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी आपने जैसे बताया कि 2-3 मिनट्स उसको छोड़ देना चाहिए, जब वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, टर्न करके रखना चाहिए। हाँ, टर्न करके रखे, और फिर कुछ देर के बाद में उसको होश भी आ गया और फिर वो आई कॉन्टेक्ट भी कर रहा है, तो फिर उसके बाद में अब ऐसा होता है ना कि शायद वो कमजोर हो गया हो, वो वीकनेस वो फील कर रहा हो, तो उसके लिए फिर कुछ खाने पीने की कुछ स्पेशल चीजें no, nothing, nothing, जैसे नारियल पानी दे रहे हैं, कोई दूध दे रहा है ना, usually, जूस है जी, करेक्ट, ये सभी जो है यूजुअली जरूरत नहीं रहता हमें। अच्छा। क्योंकि क्या है बॉडी जर्क होने की वजह से उनको जो है बॉडी सोरनेस आती है, जैसा थकावट होती है और बॉडी का जो है दर्द होते रहता है। अच्छा। तो वो जो है सेटल विद इन 12 आवर्स में सेटल हो जाएगा अपना अपनी, तो क्योंकि क्या है बॉडी जो है जर्क करने की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हुए रहता, बॉडी के पानी जो कम हुए रहता, तो उन्हें एक बार कम्प्लीटली होश आने के बाद, आई टू आई कॉन्टेक्ट होने के बाद आपसे तभी बात करना शुरू करते हैं, तो आप तब पानी दे सकते हैं, तब उन्हों आई टू आई कांटेक्ट नहीं रहता है वो, उनको आपसे बात नहीं करते रहते हैं, उन्हों कंफ्यूज रहते हैं, उस टाइम पे आप पानी नहीं पिलाना चाहिए। ओके, नहीं पिलाना चाहिए, बहुत ही बहुत कैटास्ट्रोफिक रहेगा, आई थिंक ये हमें आज समझना चाहिए ये।
सर जैसे अभी आपने ये रोड पे की बात बताई है, क्या हम इसका कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, घरेलू कुछ इसके चीजें रहेंगे जैसे मिर्गी के दौरों में कुछ वो हो, जैसे हमारी डाइट होती है या कोई भी किस्म का जो कि उसके ब्रेन के हद तक वो थोड़ा सा कुछ कम हो जाए, कुछ रेमेडीज होते हैं तो घरेलू कुछ उपचार रहेंगे सर? यूजुअली कैसा है कि जैसे अभी आपने कहा कि होम रेमेडीज जो कह रहे हैं आप, जी हाँ, बाई एंड लार्ज होम रेमेडी ऐसा रेमेडी नहीं रहेगा इसमें। अच्छा। एक तो ये रहेगा कि कुछ प्रोवोक्ड सीजर्स कहते हैं, प्रोवोक्ड सीजर्स बोले तो क्या, कुछ चीजों से ही फिट्स आती है हमें। देर आर अनप्रोवोक्ड सीजर्स कहते हैं जहाँ जो है कुछ वजह नहीं रहेगा, कुछ कारण नहीं रहेगा। दो वजह जो है कुछ चीजें रहते हैं जहाँ हम रोज देखते हैं, जैसा हम जो है नींद कम करते हैं, जैसा रात में जगते रहते हैं, कोई फंक्शन रहेगा, नींद कम रहने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है कुछ लोगों को फिट्स आती है वो। Okay. उसे कहते हैं कि स्लीप डिप्राइवेशन सीजर्स कहते हैं वो, तो वो रोके हम। अच्छा। तो मिनिमम जो है हमें 6 to 8 hours नींद करना चाहिए जी। रात में जगने का बंद करें, नाइट फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है यूजुअली तब जो भी इंडिविजुअल ये जो अफेक्टेड रहता है, तो मॉर्निंग तभी उठते हैं उन्हों तो उनके हाथ से कुछ चीजें गिर जाते हैं, जैसा स्पून हो, ब्रश हो, टूथब्रश हो, ग्लासेस हो, गिरते रहते हैं। ये जो फर्स्ट अलार्मिंग साइंस रहेंगे हमें जी। इसके बाद में जो है एब्सेंट माइंडेडनेस आ जाएगा, उसके बाद में जो है मेजर फिट्स आ जाएंगे हमें। तो ऐसा रहा तो ये ट्रिगर जो होती है स्लीप डिप्रावेशन बोले तो नींद कम रहने की वजह से जो फिट्स आती है वो, तो हमें जो है नींद नॉर्मली करना चाहिए, ए वन। सेकेंड पॉइंट जो है कुछ बच्चों में फीवर आने की वजह से फिट्स आती है, उसे कहते हैं हमें फेब्राइल सीजर्स। ओके। फेब्राइल सीजर्स तभी रहते हैं, तो यूजुअली बाई एंड लार्ज ये जो है जेनेटिक रहता। अच्छा। तो आपके घर में जो है कहीं तो भी somebody will be affected with a fever and fit. तो अगर उनको fits आती है एक बार, तो हमें उसे permanently ऐसा medicine देने का जरूरत नहीं रहता है। तो fever अगर थोड़ा सा भी अगर बुखार temperature build up होती है तो तब हमें जो है crocin tablet देना चाहिए जी। अगर उसके बावजूद भी आती है तो तब हमें we have to go for a medical help। सही। This is on a second one. Third जो है head injuries हुए, road accidents हो, brain infections हो, brain tumors हो, स्ट्रोक्स हो, पैरालिसिस जो कहते हैं स्ट्रोक्स हो, इसके वजह से भी हमें फिट्स आते हैं। तो ये एक बार हमें अगर अनफॉर्चुनेटली हो गया हमें, तो डॉक्टर का सलाह ले लेके उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए हमें। सर कभी कभी है ना हम छोटे बच्चों को देखते हैं, कोई 2-3 साल के, जैसे आपने बताया है कि फीवर से फीट्स आ जाते हैं, या नॉर्मली वो गिरते हैं या उनको मार लगती है तब उनको फीट्स आ जाते हैं, वो रोते रोते उनको फीट्स कुछ ऐसे। एब्सोल्युटली मैं मिस किया आपने, आई थिंक यू आर बेटर डॉक्टर। ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कहते हैं, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स जो ये होते हैं कि बच्चा अगर लंबे लंबे सांस ले लेके तभी रोता है वो, रोने की वजह से जो है अभी भी आप ये भी नो मैकेनिज्म देखिए, तभी रोते हैं तो हम सांस रोक के रोते हैं, हंसते हैं तो सांस रोक के हंसते हैं। सही। तो अगर लंबा जो है आप सांस रोक के अगर रोना शुरू करते हो तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ये भी फिट्स के जो मैकेनिज्म ही रहेगा जी। तभी ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो फिट्स आ जाएगा। सही। तो हमें जो है ब्रेथ होल्डिंग जो कहते हैं हमें, जैसे लंबे जो रोने का जो रहता है वो रोकने के लिए भी हमें प्रिवेंशन लेना पड़ेगा जी। तो हमें रोने का तो रोक नहीं सकेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए मेडिसिन देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कहते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स उसे भी जो है इट्स 100% क्यूरेबल, बट इसके लिए हमें ऑल मेडिसिन आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड जी। हाँ, तो मैं इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करती हूँ कि जैसे छोटे बच्चों को रोते समय पे ये सारी चीजें हो जाती है, लेकिन सर हमने ऐसे मैंने देखा है कई ऐसे बच्चों को कि 2-3 साल के हैं और ये प्रॉब्लम उनमें है, फिर डे बाय डे वो प्रॉब्लम खत्म भी हो जाती है, तो ऐसा इट इज समथिंग लाइक दिस नो, अगर जहाँ ट्रिगर्स रहते हैं जैसा फीवर हो, ब्रेथ होल्डिंग हो, या आपको जैसा यू नो स्लीप डिप्रावेशन हो, ये जो है यूजुअली भाई अंदर छोटी सी उम्र में आते हैं, जैसा उम्र होती रहती है बढ़ते जाते हैं हमें ऑटोमेटिकली वेयर ऑफ हो जाता है, क्योंकि रोना कम होती है जैसा बढ़ते हो तो समझदारी ज्यादा होती है, फीवर जो है छोटे रहे जब इन्फेक्शन कम ज्यादा रहते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो इन्फेक्शन कम होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपकी। तो वैसे वैसे बच्चों के लिए बाद में डर रहेगा हमको? नो, यूजुअली अरे पहले तो आते थे और अभी नहीं आ रहे, तो फिर बाद में आने के कुछ चांसेस रहेंगे? वेरी रेयर होता है कि कुछ, जैसा मैं कहा आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर रहेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपको जो है पहले फीवर रहेगा, फिट्स आएंगी तो बड़े बाद में रुक जाएगा, और अडल्ट में जो है एक सारा कभी तो भी एक फिट्स आ जाएगा आपको, तो वो जो है कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा उसे मेडिसिन देना या नहीं देना।
अगर आपका हाँ कुछ वजह रहा, कुछ कारण रहा, तो तभी हमें जो है उनको मेडिसिन देना चाहिए। जी अभी जैसे कि हम बातें कर रहे हैं मिर्गी के दौरों की, तो सर अब इसके लाइक अभी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है तभी हमको समझ में आ रहा है कि हाँ इसको मिर्गी का अटैक हुआ है, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान है तो हम कैसे उसको देखेंगे कि ये एक मिर्गी का पेशेंट हो सकता है, क्या उसके पास सिम्टम्स रहेंगे, कैसे हम समझेंगे? नो ये जो है हमारे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल रहेंगे, इनका कोई साइंस सिम्टम्स नहीं रहेंगे इनके, और बाहर से हमें पहचान नहीं सकेंगे जी। और ये जो है हमारे जैसे नॉर्मल काम करेंगे, नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगा इनका और नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल पर्सनैलिटी, और हमारे जैसे हम्बल रहेंगे इन सभी लोग। इनको पहचानना तो इट्स इम्पॉसिबल, क्लिनिकली कहीं रिसर्च नहीं है कि इनको कैसे पहचाने। ये फिट्स आने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ इनको फिट्स अफेक्टेड है। ओके तो फिर सर यहाँ पर अगर जैसे अब मिर्गी का दौरा जिन्हें पड़ा है अब उनको हॉस्पिटल हम ले जा रहे हैं तो फिर वहां से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। यस, एक बार उनका कारण पहचाने किन वजह से आ रही है इनको फिट्स, तभी उस डिपेंडिंग अपॉन जो वजह रहता है उनका वो डिपेंडिंग अपॉन वो मेडिसिन शुरू करते हैं उनको। तो कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, कैसे एग्जामिन करेंगे? यस, देयर इज अ स्पेशलिस्ट कॉल्ड अ न्यूरोलॉजिस्ट, ये न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है इसमें जो है ज्यादा जानकारी रहता और इनको इसके बारे में ज्यादा जो है पढ़ लिखे रहते हैं ये जी। तो ये जो फिट्स जब भी आती हैं तो डॉक्टर ये पहचानेगा कि ये जो है कुछ प्रोवोक्ड सीजर्स आ रहे हैं, अनप्रोवोक्ड आ रहे हैं। अनप्रोवोक्ड रहा तो कुछ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, जैसे इन्फेक्शन हो, ब्रेन ट्यूमर हो, या हेड इंजुरी है, या बर्थ डिफेक्ट है, या बर्थ इंजुरी हो, या ये जो है उन्हें पहचानेंगे। जो उसमें जो टेस्ट होते हैं वो सिंपल टेस्ट रहते हैं, ये जो कहते हैं कि ब्रेन का ग्राफ करते हैं। तो ब्रेन के ग्राफ में ये होती है कि पेशेंट को लिटाया जाता है, पेशेंट कॉन्शियस रहेंगे, होश में रहेंगे, और उनको जो है ब्रेन के स्काल्प जो कहते हैं हमें हेड पे जो है उनको डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, वायर लगा देते हैं, 10-20 सिस्टम्स का इलेक्ट्रोड ईईजी जो कहते हैं उसे ब्रेन ग्राफ कहते हैं हमें। ये जो है नॉन इन्वेजिव रहेगा, नॉन इन्वेजिव तो वहाँ कोई चुबाने का या इंजेक्शन देने का कुछ नहीं रहेगा। सरफेस पे आपको इलेक्ट्रोड रख के वो जो है हमें 20 मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं, जैसा हार्ट के लिए ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं हम जी। जैसा सेम जो है ब्रेन के लिए ईईजी बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जी। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो है रिकॉर्ड करके 20 मिनट्स में हम ये पहचानते हैं उनके ब्रेन में कि ब्रेन से वो जो है एपिलेप्टोजेनिक फोकाई कहते हैं, एपिलेप्टोजेनिक फोकाई बोले तो कहाँ से फिट्स आ रही है पहचान लेते हैं जी सर। तो एक जगह से आ रही है या दोनों जगह से आ रही है, जनरलाइज्ड आ रही है या सिंगल फोकस से आ रही है, वो जो है क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है हमें जी। एक बार हम फोकस करें तो बाद में जो है इनका स्कैन करना पड़ेगा। तो सिंपल स्कैन जो ये होती है कि उसे हमें एपिलेप्सी प्रोटोकॉल कहते हैं, कि हमारे जो कलीग्स रहते हैं रेडियोलॉजिस्ट जो है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल करेंगे जी। तो ये एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में हमें जो है रीजन मालूम होती है कि वो किस रीजन से हमें फिट्स आ रही है जी। और हमें जो है फोकाई मालूम हो गई कहाँ से आ रही है और किस वजह से आ रही है मालूम हो गया जी। तो हमें इजी ये रहेगा कि हम कौन से मेडिसिन चुने इसे और कितने साल हम इसे दे दें। अगर आपको जो है वजह मालूम नहीं पड़ी ये दोनों टेस्टों में, तो हमें जो है बाई एंड लार्ज 4 इयर्स मेडिसिन देते हैं हम अडल्ट्स में। और यंगस्टर्स में हमें लेस देन अबाउट यू नो यंग चाइल्ड में हमें जो है 2 इयर्स दे देते हैं, जहाँ जो हमें नो रीजन मिला। सही। जहाँ रीजन है, जहाँ परमानेंटली स्कार है आपके ब्रेन में, कुछ जख्म है या कुछ हाइपोक्सिक इंजुरी है, ब्रेन पैदाइशी इंजुरी है आपको, या रोड एक्सीडेंट में आपको जो है एक स्कार बन गए, निशानी बन गए ब्रेन में, तो वो निशानी तो नहीं जाएगी, पैदाइशी निशानी नहीं जाएगी हमें। तो उस टाइम पे हम जो है इनको लाइफ टाइम मेडिसिन देना पड़ेगा। सही। तो मेडिसिन एक बार लेने के बाद, जैसा जो विदाउट रीजन जो रहते हैं जी, जो 4 साल लेने के बाद अगर फिट्स नहीं आती है इनको जी, तो हम जो है बीच में रिकॉर्ड करते रहना कि ब्रेन की एक्टिविटीज नॉर्मल है या नहीं है। तो 4 साल के बाद फिट्स अगर इनके बंद रुक गई है इनकी, तो हम जो है इमीडिएटली मेडिसिन रोकना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा गलती रहता। वी शुड नॉट स्टॉप मेडिसिन। तो हमें जो है फिर ईजी रिकॉर्ड करके ब्रेन के रिकॉर्ड एक्टिविटीज नॉर्मल है पहचान के, फिर बाद में मेडिसिन जो है वो जो डिफरेंट मेडिसिन को डिफरेंट इस पे टेपर करना पड़ेगा, बोले तो कमी करते रहना पड़ेगा हमें जी। जैसा स्लोली 1 मेडिसिन से हाफ से क्वार्टर, क्वार्टर से जो है बंद करना पड़ता है। ये जो है यूजुअली 4-6 मंथ लगती है हमें, 4 इयर्स प्लस 6 मंथ, 4 इयर्स 6 मंथ में हमें रोक देते हैं।
सर ये जो ट्रीटमेंट रहेगा ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रहेगा या फिर ये काफी ज्यादा महंगा होता है? नो, बाय एंड लार्ज मेडिसिन जो है इसके स्पेशलिस्ट जो है काफी हैं। जब हमने जो भी न्यूरोलॉजिस्ट बना था ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स पहले जी. तो ऑल ओवर तेलंगाना में खाली अबाउट 20 डॉक्टर्स थे हम जी. अभी जो है ऑलमोस्ट हैदराबाद में 180 डॉक्टर्स हैं. ओके. एंड देन ऑल ओवर तेलंगाना वी हैव मोर देन अबाउट 500 डॉक्टर्स जी. तो ये 500 न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं छोटे छोटे से सिटी में छोटे छोटे से रिमोट एरिया में भी हैं अभी जी. और इसका कॉस्ट जो है ज्यादा नहीं रहेगा. Right. और कॉस्ट जो है सिंपल दो ही टेस्ट रहेंगे, एक ईजी रहेगा, दूसरा जो है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल रहेगा और इसमें जो है मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगे. सही है सर. जैसे अभी हम मिर्गी के दौरे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लास्ट कौन सी एज तक आएगा? जैसे अभी बच्चों को तो हो रहा है या फिर एक अधर जो एज होती है 30s की हो 40s की, तो ये एंड लाइक कब तक रहेगा, कौन सी एज में तक ये आ सकता है? तो यूजुअली जो है इसका कोई एंड नहीं रहेगा. अच्छा. हाँ, तो ये जो है जैसा फर्स्ट डे ऑफ बर्थ रहेगा. ओके. और इवन लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ भी रहेगा. तो इसमें जो लेकिन वजह जो है कारण जो है अलग अलग रहेंगे, अलग रहेंगे. सही. तो छोटे रहे जब यूजुअली जो है बर्थ ना डिफेक्ट्स रहते हैं, बर्थ इंजुरीज रहते हैं, इन्फेक्शंस रहते हैं. अडल्ट्स में जो है यूजुअली इन्फेक्शंस ज्यादा रहेंगे. अच्छा. ट्यूमर्स ज्यादा रहेंगे. सही. छोटे रहे जब ट्यूमर्स नहीं रहेंगे, बर्थ डिफेक्ट्स ज्यादा रहेंगे जी. और हमें इंजुरीज ज्यादा रहेंगे. अडल्ट्स में ट्यूमर और इन्फेक्शन ज्यादा रहेंगे जी. जैसा एल्डरली जो आते हैं जैसा 50 से 70 तक जो है यूजुअली इट इज ड्यू टू इंजुरीज जी. हाँ, इंजुरीज ज्यादा रहते हैं. अबव 70 जो रहेंगे इट इज यूजुअली ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक पैरामीटर्स कहते हैं. डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक पैरामीटर्स बोले तो आप देखते हैं एल्डरली पीपल जो है खाना कम खाते हैं, सॉल्ट कम लेते हैं, उनका एपेटाइट कम रहेगा, मोबिलिटी कम रहेगा, उन्हें रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे. तो इसमें क्या हो जाती है हमारी सॉल्ट हार्मोन्स ये जो है डिस्टर्ब होते रहते हैं जी. ये डिस्टर्ब होने की वजह से जैसा लो सॉल्ट रहा, लो कैल्शियम रहा, लो फास्फोरस रहा, हाई कैल्शियम रहा, तब जो है हमें जी डिस्टर्बेंस होके फिट्स आते हैं जी. तो उनका अलग वजह रहता है. ऑल राइट सर, कंटिन्यू भी करेंगे, कॉलर को भी शामिल करेंगे. हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी. किन से बात? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है. जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी 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 सर, कहिए. मैं भी सुन ही रहा था तो ये मिर्गी के बारे में बात चल रही थी. जी हाँ, डॉक्टर उमेश टी है मेरे साथ. मेरे भी प्रॉब्लम है. जी सर, तो सोचा मैं पूछ लूँ. मैं भी जी. हाँ जुबेर बताइए. सर मेरा भांजा है सर, 6-7 महीने का है जी. तो जब पैदा हुआ था ट्विंस है सर असल में. हाँ जी. तो एक जो है वो पूरा हेल्दी है सेहत मन अलहमदुल्ला, और दूसरा जो वो थोड़ा कमजोर है सर. हाँ जी. अभी 3-4 महीने पहले सर अचानक सब घर में सो रहे थे, सुबह का टाइम था तो अचानक से वो चीख उठा सर. बाद में जब देखा तो पूरा अकड़ गया था एक तरीके से. ओके. घर में सब डर गए, हैरान परेशान, कुछ जैसे तैसे वो लोहे का कुछ पकड़ा के फिर बाद में ला के फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल ले गए थे जी. अभी फिर इस महीने में भी एक दो बार हुआ है सर जी. ओके. हॉस्पिटल में हम दिखा दे रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ मतलब हाँ जी जुबेर, मैं समझ सका आपके पूरे ये जो बातें. तो इसमें क्या है कि आपके ट्विन बच्चों में सेकंड बच्चे को जो फिट्स है. डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि ये आप थोड़ा सा आंसर थोड़ी देर से दे क्योंकि एक और कॉलर okay, है. fine. हम उनको ज्वाइन करेंगे. हेलो. हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून जी सर. जी सर. वो क्वेश्चन मेरा ये था जी. ये परमानेंट इफेक्ट होता है सर, लाइक टेम्पररी या फिर मेडिसिन लेते जाना पड़ेगा सर जब ये चीजें आएंगी? एंड साथ ही साथ ये भी जानना था कि जैसा कि ये फीट्स आते हैं ना, तो कभी भी आते हैं कहीं भी आते हैं है ना जी. तो इसको रोकने के लिए पहले से अभी जैसे कि तो अगर होता है तो कैसा रोके?
और जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैंने जो कॉल किया था तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मोहम्मद जिदर बात कर रहा। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, आप बता रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, आंसर जरूर देंगे जुबैर जी, जी। ओके, पहली क्वेश्चन जो है जुबेर की रहेंगी, उनके जो है ट्विन बच्चे हैं और सेकंड बच्चे को जो है फिट्स आ रही है उनको, और ये जो फिट्स जो आ रहे हैं उनको छोटी उम्र में शुरू हो गई, जो पहले बच्चा जो है स्किप हो गया, दैट मींस कि ही डजंट हैव अ फिट्स। तो ये जो है ये मालूम होना चाहिए हमें, दो तीन क्वेश्चन इसमें। तो जुबेर, तभी ये जो बच्चे जो भी पैदा हो गए, इन्हों नॉर्मल डिलीवरी था या, ये क्वेश्चन चाहिए हमें इम्पोर्टेंट। और सेकंड, जो बच्चा व्हेन ही वाज बीइंग बॉर्न, पैदा होने के टाइम पे डिले होगा क्या, पहचाना पड़ेगा हमें। अच्छा। तो उसमें क्या होती है कि लेट मी आंसर बोथ, डिले हो गया नहीं डिले हो गया। अच्छा, तो तभी यूजली मदर के वूम से हमें बच्चे तभी पैदा होते रहते हैं, तो सर्टन पीरियड रहेगा, सर्टन पीरियड से ही हमें डिस्कनेक्ट होना चाहिए मदर से। ओके ओके, तो यूजुअली तभी हम वूम में रहते हैं, मदर के वूम में, तो मदर के वूम में तभी रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है, हमें मदर सप्लाई करती रहती है ऑक्सीजन जी, तो हम उनके इस पे रहेंगे। तभी मदर के वूम से बाहर आते हैं तो हम खुद सांस लेना चाहिए, तो एग्जैक्टली दैट इज विद इन 2 मिनट्स। अच्छा, तो उन्होंने जब भी बाहर आते हैं हम, तो मदर कट ऑफ करेगी ऑक्सीजन जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं हमें, और डॉक्टर जो है हमें उल्टा ऐसा ही जो लेग से ऐसे हैंग करके पीछे पीठ पे मारते हैं कि हमें सांस लेने के लिए। सही, सांस तभी लेते हैं तो हम रोते हैं, यू हैव हर्ड दैट नो, तो हम रोते हैं, तो दैट इज नॉट अ रियल क्राई। अच्छा, दैट इज नॉट अ रियल क्राई, वो क्या है, हमें लंग एक्सपैंड करने के लिए हमें जोर से चीखना पड़ता हमें। ओके, तो तभी हम लंग एक्सपैंड करते हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होकर हम सांस ले लेते हैं। तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंचेगा, एंड देन ब्रेन सर्वाइव होती है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बिजर के जुबेर के सेकंड बच्चों में सांस लेना लेट हो गई क्या, मैं पहचाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमें बर्थ इंजरी उनमें है या नहीं है वो पहचाना पड़ेगा जी। वो जो उन्होंने कहा उनके सेकंड बच्चे को फिट्स है वो जी, तो फिट्स को जो है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फोकस कहाँ है जी, तो इसके लिए ईईजी करना पड़ेगा सेकंड। एक बार फोकस मालूम हो गई तो उनको एपिलेप्सी प्रोटोकॉल बोल के एक स्कैन रहेगी, वो करना पड़ेगा कि वो बर्थ मार्क है या नहीं है। अच्छा, ये दोनों मार्क मालूम हो गए हमें तो मेडिसिन चूज करना इजी रहेगा, और कितने साल इन्हें लेना पड़ेगा डॉक्टर्स बता दीजिएंगे। और ये भी सिंपल है, ये इट इज नॉट ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जैसा जुबेर समझाए थे कि कोई समझ नहीं सक रहे। आई थिंक प्रोबेबली जुबेर आप जो है अच्छे से डॉक्टर को देख के फाइंड आउट करके ये दोनों टेस्ट करा के आपके बच्चों को आप फिट्स फ्री कर सकते हैं आप। अरे वाह क्या बात है। okay. So, जैसे अभी अजहर ने बताया है कि जो इंसान को फीट चाहते तो उसको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि अभी कुछ होने वाला है उसके साथ, ताकि वो यू नो प्रिपेयर्ड हो जाए, क्योंकि वो कहीं पर भी ऑल ऑफ अ सडन गिर जाएगा। सो बड़ी खतरनाक बात होती है कि, है ना। करेक्ट अजहर, आप जो कहा नो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन सभी लोगों इसमें इसके बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें मेजर फिट्स जो रहती है, मेजर फिट्स को हमें मालूम नहीं पड़ेगा। मेजर फिट्स जो है बोल्ट ऑफ ब्लू बोलते हैं, बोल्ट ऑफ ब्लू बोलते, ऑल ऑफ ए सडन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप कट ऑफ हो जाते हैं जी, कट ऑफ हो जाते हैं। बोले तो क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बाद में गिर जाते हैं आप। Okay. तो उसमें हमें पहले प्री मॉनिटरी सिम्टम्स नहीं रहेंगे, हमें प्री मॉनिटरी सिम्टम्स बोले तो हमें मालूम नहीं होते। तो उन लोगों का ग्रुप अलग होती है, जैसा दूसरे ग्रुप जो है 60% ऑफ ग्रुप जो है ये रहेगा, उनमें माइनर अटैक्स रहते हैं जी। माइनर अटैक्स में ये होती है कि आपको मालूम पड़ता है थोड़ा, क्या बात तो है? उसमें कैसा है कि आपको जो है थोड़ा सा यू नो यू विल स्टार्ट फीलिंग सम काइंड ऑफ अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जैसा पेट में जो है आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। अच्छा। आपको यॉनिंग आ जाएंगे, जैसा जमात ले लेते हैं, जमाई ले लेते हैं आप, और एट द सेम टाइम आपको जो है थोड़ा सा यू नो अनअवेयरनेस आ जाएगा। अनअवेयरनेस बोले तो कुछ जो एक्टिविटी, ऑन गोइंग एक्टिविटी जो रहती है आपकी, ऑन गोइंग एक्टिविटी वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका चाइल्ड जो है पढ़ते रहेगा तो वैसे ही पेपर, हाँ पेपर फ्लिप करते रहेगा 2 मिनट तक। तो दिस इज कॉल्ड ऑन गोइंग एक्टिविटी। कुछ बच्चे जो है खाना खाने के टाइम पे फिट्स आया तो वैसे ही निगलते रहते हैं खाना। इसको जो है हमें मुंह चबाना कहते हैं, जैसा जैसे कहते हैं जो मुंह चबाते रहते हैं या पेपर फ्लिप करते रहते हैं जी। ये जो अगर मालूम हो गया, इसके बाद में जो है मेजर अटैक आती है। तो अगर ये मालूम हो गया आपको, बच्चे को सेफ रखो, लेटा दीजिए, टर्न कर दो,
क्योंकि उसी टाइम पे जो है आप मेडिसिन देना बहुत डिफिकल्ट रहेगा नॉन मेडिकल पर्सन रहने की वजह से. जो खाली हम जो कर सकते हैं होम रेमेडी, आप बच्चे को लेटा के टर्न कर दीजिए. अगर मेजर अटैक आ गया तो मेजर इंजरीज आप अवॉइड करेंगे. सही. अभी जैसे आजहर ने ये क्वेश्चन किया था कि इसका परमानेंट कोई इलाज है? यस. नाउ मेडिसिन जो है काफी तरक्की किया है अभी. सही. और अबाउट 40-50 इयर्स पहले जो है हम मेडिसिन से ट्रीट करते थे जी. उस टाइम पे हमें यूजुअली 1-2 टैबलेट थे. टैबलेट जो वेरी पोटेंशियल टैबलेट थे, बोले तो क्या है कि वेरी इफेक्टिव टैबलेट थे और वेरी टॉक्सिक टैबलेट थे, पॉइजनस टैबलेट थे. सर एक और कॉलर को प्लीज हम शामिल करते हैं. आई एम रियली सॉरी, मैं आपको रोक रही थी लेकिन यहाँ पर जो है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ. जी जी. हाँ, तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये फीस आने के बच्चा, एक मेरा भांजा था तो तीन दिन का था फीस आए जी. तो हमको पता नहीं था कि ये बच्चे को फीस है, बोल के डॉक्टर के पास ले गए जी. तो डॉक्टर साहब बोले नहीं इनको एडमिट कर देना. तो फिर 15 दिन रखे हॉस्पिटल में जी. अब फिर तो नॉर्मल हो गया. तो डॉक्टर साहब को ये बोलना है कि फिर जिंदगी में कभी आता बच्चे को? फिर दूसरी बार तब आया था, 2-3 साल का था तब आया था फिर. जी जी. हेलो. हेलो हेलो, आ रही आवाज? जी हाँ जी हाँ. तो डॉक्टर्स क्या बोले? बोले तो नहीं, पेट भर के रहा तो बच्चे को कुछ नहीं होता, बच्चे को एनी टाइम गिजा देते रहना. तो इसका मतलब क्या है कि फिर अगर खाली पेट रहा बच्चे को तो फिर आ सकते क्या? अब बच्चा माशाल्लाह 8 साल का हो गया जी. तो उनकी माँ जो है सो हर टाइम कुछ ना कुछ देते रहते उनको जी. तो फिर कभी गैस आ सकते क्या? उसका फिर कुछ ट्रीटमेंट है क्या? जी जी. ऐसा डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी मैं जी. के बच्चे के लिए कुछ वो क्यों, मतलब 3 दिन का रहा होता है थे, फिर 2 साल का रहा होता है थे जी. उसके बाद में अब तक नहीं आए बुखार, एकदम आके फिर आए थे बच्चे को जी जी. बुखार गया था जी. तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना है नहीं? इसी टाइम ऐसा कुछ बच्चे को सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए जी जी. ठीक है अस्मा, अभी डॉक्टर आंसर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. वो कंटिन्यू करते हैं जुबेर के जो क्वेश्चन रहा, जो जहाँ जो इसीलिए कोई परमानेंट इलाज है या नहीं है. हाँ, अभी मेडिसिन जो काफी तरक्की किया है, 40-50 इयर्स पहले जो है हमें मेडिसिन बहुत कम थे, एक दो थे हमें, और ज्यादा टॉक्सिक थे, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन थे. तो उसमें क्या है कि साइड इफेक्ट भी उतना ही था और उसका गुड इफेक्ट भी उतना ही था. तो अभी क्या है कि काफी रिसर्च होने के बाद लास्ट 30-40 इयर्स में इतने प्रोग्रेस हो गई है एपिलेप्सी वर्ल्ड, जो हमें जो है अभी मेडिसिन जो है ऑलमोस्ट अबाउट 15-20 मेडिसिन अवेलेबल हैं. 15-20 मेडिसिन में वेरी इफेक्टिव मेडिसिन जी, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन बट लेस टॉक्सिक, बड़े उतना पॉइजनस नहीं है. और हमें कैसे बेटर कंट्रोल आती है. Okay. बेटर कंट्रोल आती है और इसके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट मिनिमम रहेगा. और इसके अलावा भी जो पेशेंट्स मेडिसिन लेने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स रहते हैं 1-2% जी, 1-4 मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होते हैं, ये पेशेंट्स को हमें जो है रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं कि ये जो है हमें मेडिसिन से फेल हो गए. ये जो है काफी कम रहते हैं 1-2%. ये रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी जो है हमें इसे सर्जरी से कंट्रोल कर सकते हैं. सर्जरी इनको जो है कहते हैं एपिलेप्सी सर्जरी. उसे हमें जो है जैसा मैं कहा आपको ब्रेन ग्राफ, ये ब्रेन ग्राफ में हमें जो है इलेक्ट्रोड करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फोकस कहाँ है इनका, ब्रेन में कौन सी जगह से ये फिट आ रही है जी. वो जगह जो है हम सर्जरी से द्वारा निकाल देते हैं जी. और इसे कहते हैं कि लोबेक्टमी एंड हिपोकैम्पेक्टमी एंड लीजनल एक्टमी, ये जो डिफरेंट नाम दिया गया. तो वो जो है सर्जरी करने से हमें जो है प्रोबेबली फिट्स आने का जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है ऑलमोस्ट नील हो जाती है. ये लास्ट ऑप्शन रहेगा. ये सर्जरी जो है सभी पेशेंट को नहीं करते हैं हम. जो पेशेंट रिफ्रैक्टरी होते हैं ओनली 1-2%, उन पेशेंट में ये करना पड़ेगा हमें. नाउ कमिंग डाउन टू अस्ना जी, उनका जो क्वेश्चन जो है उनका नो आई थिंक अभी तो 8 साल का है वो. लेकिन जब 3 डेज का जो, था तब उसको प्रॉब्लम हुई थी. उसे जो हमें नियोनेटल एपिलेप्सी कहते हैं. नियोनेटल जो ये होती है कि बच्चा जो भी पैदा होता है तो यूजुअली विदिन 1-10 डेज में फिट्स आते हैं वो. अच्छा. यूजुअली जो बाई एंड लार्ज ये फिट्स जो आते हैं इसे कहते हैं हमें नियोनेटल फिट. और नियोनेटल फिट्स जो है बिनाइन रहते हैं. बिनाइन बोले तो क्या होता है कि सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं जी. उसे जो है मेजर
ट्रीटमेंट हो या मेजर यू नो कुछ सर्जरी हो वो कुछ नहीं रहेगा, ये जो है सेल्फ लिमिटिंग रहेंगे, अपना अपनी रुक जाएंगे। अच्छा। मेजर चंक जो रहता है, जो माइनर चंक जो रहता है उनमें डिफिशियंसी रहते हैं, यूजुअली डिफिशियंसी कैल्शियम का हो, बायोटिन का हो, जो मेटाबॉलिक पैरामीटर जो रहते हैं उनमें कुछ कमी रहते हैं, वो कमी रहने की वजह से उनको फिट्स आते हैं, अगर वो करेक्शन करते हैं हमें तो वो रुक जाएंगे। ये नियोनेटल फिट्स जो रहते हैं, मैंने कहा कि सेल्फ लिमिटिंग है तो इसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं रहता है। और दूसरा क्या है कि ये जो है 8 साल के बाद इनफ्रीक्वेंट अटैक्स जो आ रहे हैं अभी इन बच्चों को, ना सर, वो लड़का अभी 8 साल का हो गया है, नो फिट्स नो, ना अभी तक फिट्स नहीं आए हैं, लेकिन हाँ जब वो बच्चा 3 दिन का था तब आए थे, तो फिर उसके बाद में 2 साल का था तब आए, उसके बाद में डॉक्टर बोलने लगा कि इनको हमेशा पेट भर के खिला के रखो, जिससे वो जो है वो फिट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो उनकी मदर जो है वो बार बार उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं, तो क्या ये इसके लिए ये कहा था? नो, प्रोबेबली दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें जो है जैसे खाने से कमी खाने से फिट्स आते हैं या ये करने से फिट्स आते हैं, प्रोबेबली इट इज अ रॉन्ग यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग, इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें जो है प्रोबेबली इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, वो रुक गया है 2 साल के बाद, जब अभी तक नहीं आया प्रोबेबली नहीं आएगा वो, सो इट्स कॉल्ड एज अ सेल्फ लिमिटिंग बेनाइन कंडीशंस, वेरी कॉमन इन नियोनेटल एज, छोटी उम्र में होते हैं तो अपने अपने रुक जाते हैं, तो उनको जो है ये प्रोग्राम पे नहीं रखना चाहिए, प्रोग्राम में तो जैसा फीड करो वो करो ये करो, तो हर थोड़ी थोड़ी देर को कुछ खाने के लिए देते हैं, नो प्रोबेबली नो, ठीक नहीं रहेगा। सर अभी जैसे आप बता रहे थे, तो सर जैसे यू नो ये स्प्रेड होती है ये एक दूसरे से, यूजुअली एपिलेप्सी जो होता है इट्स अ नॉन कॉन्टेक्टेबल डिजीज, इट्स अ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, एक से दूसरों से इसे ऐसे नहीं स्प्रेड होती है ये। और मैं ये कहता हूँ कि हम इनको उतना ही रेस्पेक्ट दे दें जैसा दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं हम, इट इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज बिकॉज दे हैव एवरी राइट टू लिव डिजायरेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ, और उनको उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उतनी ही नौकरियां मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी देखते हो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट जॉन्टी रोड्स जो है उनको एपिलेप्सी था, एंड देन उनका जैसा रिकॉर्ड भी नहीं कर सके कोई। सो सर ये जो होगा ये औरतों में भी उतना ही होगा और मर्दों में भी उतना ही होगा? यूजुअली जो है मेंस में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वीमेन में कम रहता है, औरतों में थोड़ा कम रहती है, एंड यू नो यूजुअली वीमेन में जो है यू नो कॉमन कॉजेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा। कॉमन कॉजेस जैसा यूजुअली यू नो दे ट्राई टू पोस्टपोन मेंसेस जो है, पोस्टपोन करने के लिए वो सी पिल्स जो लेते हैं। अच्छा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से हमारा ब्लड जो है थिक हो जाती है, सही? जो विस्कस होती है, और विस्कस हाई विस्कस होने की वजह से यू नो ब्रेन के नलियों से खून दौरान होना कम होती है जी, तो इसलिए वो सी पिल्स जो है केयरफुली यूज करना चाहिए। पॉइंट को थोड़ा सा रोकते हैं, एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसे डॉक्टर से पूछना है, मेरे भाई का लड़का है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से मोइनपुर से बात। जी जी जी, बोलिए, आपका नाम मैम? मेरा नाम आयशा सिद्दीका। जी जी, बोलिए आप क्वेश्चन पूछ। मेरे भाई का लड़का है, उनको पैदा हुए बाद से अच्छा 3 महीने तक अच्छा थे, हेल्थी थे, अच्छा थे, माँ का दूध, उसके बाद उनको फिट्स आए जी, तो आज तक भी आते रहते उनको, और जो है बहुत मुँह से कफ वगैरह भी जाते रहता उनको जी। फिर उनको दूसरी थी, उनको उनके माँ हमारे भाभी को दूसरी डिलीवरी के टाइम भी 5 मंथ्स था, उनको जो है BNC कर दिए, कई बच्चे में फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, हार्ट बीटिंग कम है। अच्छा, ये जेनेटिक भी मतलब ये जींस की जो कमजोरी की वजह से भी होता है क्या? थोड़ा फिजिकली डिस्टर्ब थे हमारे भाई, फिर मेडिसिन वगैरह लिए, और उनके दूसरे बच्चे के लिए कैसा प्लान कर सकते हो? ऑलराइट, चलिए। आयशा ने वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी यू नो टफ क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आई थिंक आई शुड कांग्रेचुलेट आयशा जी। आपने जो कहा कि यूजुअली आपके ब्रदर में थोड़ा सा डिफेक्ट है कह रहे हैं, तो यूजुअली जैसा इंडिविजुअल में डिफेक्ट रहे तो वो डिफेक्ट बच्चों को नहीं आती है वैसा। जेनेटिक डिफेक्ट ये होती है कि ब्लड के जीन्स में जो है कैरी करते रहते हैं वो फिट्स की जी, तो उनमें जो है हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स में एक को अगर जीन डिफेक्ट रही, फॉर क्रोमोसोम 6 डिफेक्ट रहा, क्रोमोसोम 6 डिफेक्ट रहा, तो उनके बच्चों में ओनली अबाउट 15-20% चांस रहेगा कि फिट्स आना जी, उनको जो है फिट्स आना 15-20% ही रहेगा। अगर दोनों पेरेंट्स में जीन डिफेक्ट है, दोनों को फिट्स है, तो चिल्ड्रन में पेनिट्रेशन ज्यादा रहेगा,
दोनों को पेरेंट्स को फिट्स रहे हैं तो बच्चों में जो है ऑलमोस्ट 50% जो है फिट्स आने का चांसेस रहती है. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इन्फ्लुएंस. अगर एक पेरेंट में रही तो बहुत ही कम चांस रहेंगे. और इनके बच्चों में जब ये फिट्स आ रही है वो तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये फिट्स का कुछ वजह है क्या, ब्रेन में कुछ डिफेक्ट है क्या. वो पहचान लीजिए ईजी और यू नो ब्रेन ग्राफ कर ली, ब्रेन ग्राफ और जो है स्कैन कर लीजिए, उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं पहचान लीजिए. अगर वो डिफेक्ट नहीं है तो ही फॉल्स इनटू इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, जहां बिना वजह रहते हैं. यूजुअली बाय एंड लार्ज जो है हमें 2-3 सेंटर्स हैं यहाँ पे इंडिया में जी, जैसा यू नो CCMB कहते हैं जी, वो जो यू नो सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वहाँ जो है जीन एनालिसिस करते हैं जी. तो वो जीन एनालिसिस अगर क्रोमोसोम 6 डिफेक्ट रही है तो कुछ लोगों में होती है वो. तो दैट्स अ वेरी टीडियस. प्रोबेबली आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट आपको समझाएंगे कि ये कैसा पहचानना. प्रोबेबली आई थिंक इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, आई थिंक नॉट टू वरी अबाउट दैट. ओके सो जैसे कि अभी हाँ तो ये विमेन और मेन में जो है वो मेन में ज्यादा मेन में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा रहता है ये. और एट द सेम टाइम यू नो जो ट्यूमर फ्रीक्वेंसी हो, इन्फेक्शन फ्रीक्वेंसी हो, रोड एक्सीडेंट्स हो एंड देन यू नो एडिक्शंस जो हो, इट्स मोर कॉमन इन विमेन, सॉरी मेन देन इन विमेन. तो इसमें जो है ट्रिगर्स ज्यादा रहते हैं एंड यू नो या इट्स क्वाइट कॉमन इन मेन, क्वाइट कॉमन इन मेन. तो जैसे अभी आयशा से ही रिलेटेड थोड़ा मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को भी हो, चाहे वुमेन को हो चाहे वो मैन को ही क्यों ना हो, तो क्या वो फिर शादी के लिए ओके रहते हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे अभी आयशा? एब्सोल्युटली नो. ये जो दोज हु आर अफेक्टेड, जिनको जो है एपिलेप्सी इफेक्ट हो, जैसा मेल हो, औरत हो या आदमी हो, उन्होंने नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, नॉर्मल मैरिड लाइफ एंड देन यू नो दिल हैव अ नॉर्मल चिल्ड्रन एंड यू नो और नॉर्मल कॉम्पिटेंट रहेंगे, उन्होंने नॉर्मली कॉम्पिटेंट रहेंगे उनके वर्क फोर्स पे और उनके जो यू नो. अच्छा उनका डाइट कैसे रहेगा? नॉर्मल डाइट, जो हमें जो मिथ है ये जी. जो हम ये पहचानते हैं उनको जो है बनानास ना दें, स्वीट्स ना दें, और जैसा पूर्णिमा जो रहती है पूर्णिमा बाहर नहीं ले जाए, ये जो है सभी ऑल आर रॉन्ग मिथ्स. They're all wrong myths. नहीं, ये कहीं भी नहीं है. No, there is nothing, no restrictions. Winters में specially लोग जो है ना वो extreme गर्म रखने की कोशिश करते हैं. No, I think ये जो है हमारे गलत फहमी है और ये इसे हमें दूर रहना चाहिए. और इसके लिए कोई परहेज नहीं रहेगा हमें, कोई जो फूड का रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा हमें. हाँ, लेकिन ये जो है लाइफ को हमें जो है घड़ियाल के जैसा रखना पड़ेगा. एवरीथिंग शुड बी अ डिसिप्लिन्ड. सही. नींद जो है 6 hours रहना चाहिए, नॉर्मल टाइम पे सभी लोग खाना चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइज, लिमिटेड फूड, लिमिटेड स्टडीज एंड देन लिमिटेड वर्क. अच्छा, लेकिन अभी जैसे होता है ना सर कि अभी जैसे मेरे को चश्मा है तो कहते हैं ना कि कैरेट खाना चाहिए जिससे विजन इम्प्रूव होता है. Yes. है ना, मच्छी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. तो वैसा कुछ के हम ब्रेन के लिए खाएं या ब्रेन में यू नो उस डाइट में कुछ एक्स्ट्रा कर ले जिससे हमारे को ये सारी प्रॉब्लम ना हो? नो, मेडिकल रिसर्च तो इसमें तो रिसर्च नहीं किया है कि पर्टिकुलर फूड विल अवॉइड इट. नाउ वैसा कुछ नहीं है एंड देन इसको रोकने के लिए कोई पर्टिकुलर फूड भी नहीं अवेलेबल नहीं है वैसा. एंड देन हम जो है नॉर्मल रहे, नॉर्मल इंडिविजुअल के जैसा जी. और इसमें कोई फूड सेलेक्टिव फूड्स नहीं रहेंगे. सही. नहीं रहेंगे. तो सर अभी जैसे लाइक आप इस फील्ड में हो तो आपके एक्सपीरियंस पे कितने परसेंट लोग अब तक कम्प्लीटली ऐसे क्योर हो गए हैं या फिर कितने परसेंट लोगों को आपने ऐसे देखा है? मेरे एक्सपीरियंस पे यू नो काफी लोग जो है फिट्स फ्री हैं आजकल. अरे फिट्स फ्री हैं एंड वेरी रेयर यू नो जहाँ जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं ब्रेन में स्कार रहा या लीजन रहा या जख्म रहा या यू नो जेनेटिक रहा या कुछ पेशेंट्स में ट्रिगर्स रहे हैं, ट्रिगर्स हमें हिस्ट्री ना दे हैं वो जी. जो उसमें जो है मिस हो जाते हैं वैसे जो है ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि अराउंड 5-7% जो है वो दे विल कंटिन्यू टू हैव अ फिट्स. ओके. बिकॉज जो है जो कम्प्लीटली डिस्क्लोज नहीं करते हैं डॉक्टर्स को तो उन पेशेंट्स में जो है रह जाती है. लेकिन बाई एंड लार्ज ऑलमोस्ट अराउंड 50-60% लोग जो है फिट्स फ्री हो जाते हैं. फिट्स फ्री उनको क्या है कि दे हैव टू अडेयर टू एडवाइस. बोले तो क्या है जो हम जो है उनको एडवाइस जो देते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा उनको. जो उसमें कोई भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, जैसा मेडिसिन लेने में हो, मेडिसिन देरी से लेना हो, मेडिसिन भूलना हो, ये जो है स्ट्रिक्टली जो है अवॉइड करना चाहिए उन्होंने.
और एट द सेम टाइम जहाँ ट्रिगर्स होते हैं जैसे फीवर होके फिट्स होती है तो फीवर आने से थोड़ा सा मालूम होती है मदर को ये फीवर आती है तो इमीडिएटली क्रोसिन देना चाहिए तो 90% फिट्स आने का रुक जाता है. जैसे स्लीप डिप्रावेशन रहेगा तो बच्चों को जो है 8 आवर सुलाने से फिट्स नहीं आती हमें तो ये जो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स रहते हैं तो बच्चों को जो ऐसा देखें कि वो सिचुएशन ना करें जहाँ उन्होंने रोए. तो ऐसे जो अगर अवॉइड करते हैं हमें तो हमें जो है यूजुअली फिट्स नहीं आते हमें. क्या सर मिर्गी के दौरे में मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है? यस आई थिंक यू नो ये दिस इज यू नो वेरी काइंड ऑफ एडवांस्ड क्वेश्चंस नाउ. ये जो है जहाँ मिर्गी यूजुअली हम अब तक लास्ट अबाउट कपल ऑफ मिनट्स में ये सीखे कि मिर्गी 2 मिनट में रुक जाती है. जी जी कुछ पेशेंट्स में ये होती है कि मिर्गी रुकता भी नहीं है, उसे हम कहते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस. स्टेटस मीन्स उन्होंने वही स्टेट में मोर देन 10-15 मिनट्स रह जाते हैं. तो उसे जो है हमें इट्स अ कॉल्ड मेडिकल इमरजेंसी. जो फिट्स अगर 2 मिनट से भी ज्यादा कंटिन्यूस आने शुरू होती है तो हमें मालूम है कि सांस रुके रहता. सही. तो सांस जो है 2 मिनट से भी अगर हम ज्यादा रोकते हैं तो ब्रेन और 2 मिनट 2.5 मिनट में ब्रेन जो है डैमेज हो जाती है. 4 मिनट्स भी जो है हमें हार्ट डैमेज हो जाती है. मोर देन 7 मिनट्स में हमें जो है लीवर डैमेज हो जाती है. तो सभी ऑर्गन जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. तो फाइनली जो पेशेंट जो है ही विल गेट इनटू अ कोमा स्टेट. तो हमें जो है एट द सेम टाइम 2 मिनट से अगर ज्यादा होता है तो इमीडिएटली जो है कहीं भी नजदीक के डॉक्टर को बुला के इमीडिएटली वो इंजेक्शन देना चाहिए. वो इंजेक्शन 1, 2, 3 रहेंगे आपको. मेटाजोलम रहेगा, लोरजेपम रहेगा. जो नजदीक के जो हॉस्पिटल रहते हैं आपको वहां जाके जो है मिर्गी को फिट्स को स्टॉप करना पड़ेगा. जो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस जो कहा मैंने जी, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस का कुछ वजह हो जाते हैं. यूजुअली बिना वजह स्टेटस एपिलेप्टिकस नहीं आता है. अच्छा. तो यूजुअली कैसा है कि फर्स्ट टाइम फिट्स आती है तो ब्रेन ट्यूमर रहेगा, इन्फेक्शन रहेंगे, ब्रेन में क्लॉट रहेगा. विमेन अगर मैं कहा आपको ओसी पिल्स जो लेते हैं तो उसमें ब्रेन जो है स्लगिश होके ब्रेन खून रुक जाती है वहां पे. तो इस चीजों में क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस क्वाइट कॉमन रहती है. तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस हमें जो है तुरंत ट्रीट करना पड़ेगा, तुरंत ट्रीट करना पड़ेगा. सही. जो फर्दर डैमेज होने का रोकने के लिए. ओके. और इसके लिए जो एक बार स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया तो इसके लिए मेडिसिन हमें चूज करके ये कौन से मेडिसिन कितने साल लेना चाहिए वो डॉक्टर आपको उनके सलाह लेना पड़ेगा. ऑलराइट. सो सर अभी जैसे हम आज का दिन जो है जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना सारा अवेयर आप हमको कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो सर क्या आपको ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, सो अभी प्रेजेंट जो चल रहा है कि डीप फ्राइड फूड हम खा रहे हैं काफी ज्यादा, आप देख रहे हैं ना कि जंक फूड के लिए हम क्रेजी हो गए हैं, सो ये सारी चीजों के लिए आप कुछ कहेंगे? अभी का हमारा लाइफस्टाइल जैसा है इससे ये चीजें होने के चांसेस हैं और भी कि क्या रहेगा हमारे लाइफस्टाइल को? यस जैसा अभी ने आपने कहा कि हम कैसे अभी क्या है इतने हम जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं अभी बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ अ कॉम्पिटिशन इन लाइफ. सही. अभी देखते हैं कि 40 इयर्स 30 इयर्स पहले जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे और यू नो और हमारे आबादी जो है इतने बढ़ रही है एंड फूड जो है इतना अडल्ट्रेटेड होते जा रही है. अब देखते हैं कि वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स इतने बढ़ते जा रही है और फूड जो है इतने जो है हम चेंजेस आने के बाद डेफिनेटली अवर बॉडी विल गेट पोल्यूटेड विद मेनी थिंग्स. जैसे हमें नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट हो गए, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट हो गया, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है. आपको जो स्टिपुलेटेड टाइम पे जो है आपको आपका काम खत्म करना पड़ेगा जैसा यू नो इंजीनियर्स जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनमें. एंड इसमें क्या होती है कि आप जो है आपके क्लॉक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं आप. आपका स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है एंड फूड जो है अल्टर हो जाती है, इरेगुलर फूड हो जाती है. आपको जो मिलता है वो खा लेते हैं, जंक फूड ज्यादा हो जाती है एंड देन बैलेंस्ड फूड नहीं रहेगा आपको. ये सभी रहने की वजह से बॉडी जो है यू नो टू कोप अप विद अ होल थिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट. सही. तो इसमें क्या हो जाती है कि ट्रिगर्स जो है जैसे आजकल लिटरेचर में जो ट्रिगर्स हैं उससे भी बढ़ के ज्यादा यू नो ट्रिगर्स होते जा रही हैं. तो हमें जो है एवरी इंडिविजुअल को ये समझना पड़ेगा कि आप जो है आप कैसे लिमिट पे रहे हैं, आप आपके बॉडी के लिए कैसे टेलर मेड ऑर्गेनाइज कर लिए हैं आप. जी जी जी. तो उस हिसाब से जाते हैं तो हम कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करेंगे. तो हम जो है मिनिमम 6-7 आवर्स नींद करें, रेगुलर फूड ले लें, बैलेंस्ड फूड ले लें, मिनिमम यू नो 10-15 मिनट्स एक्सरसाइज करें हमें. जी जी. बॉडी को हाइड्रेट करें एवरी टाइम यू नो अच्छा सब यू नो पानी पीते हुए एंड एट द सेम टाइम हम जो है यू नो रेगुलर चेकअप्स करते रहें डॉक्टर से एंड देन
ऑर्गेनिक फूड ज्यादा इस्तेमाल करें जी, पेस्टिसाइड्स को जो है हम अवॉइड करें, पेस्टिसाइड फूड को जो अवॉइड करें जी, एंड एट द सेम टाइम हमें जो है ये बाकी के कॉम्प्लिकेशन जो है कोमॉर्बिड डिसीज जो कहते हैं जैसा डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज हो, ब्रेन डिसीज हो, थायराइड हो, दीज आर ऑल वी कैन अवॉइड इट। सही। सो लीजिए भाई, हमने बहुत सारी बातें आज की है और काफी ज्यादा जानकारी। मैं सीरियसली, मेरे को खुद को भी ऐसा था कि सिर्फ हम सुनते थे कि मिर्गी का दौरा किन्हीं को पड़ा है या कभी हम किसी को देख लेते थे रास्ता चलते, तो बस उस हद तक ही हमको पता था। लेकिन आज जब डॉक्टर साहब से हम बातें कर रहे हैं तो ढेर सारी जानकारी हमको मिली है बिना अपॉइंटमेंट लिए और बिना फीस दिए, है ना। तो ये एक बहुत फायदे की बात आज हो गई है हमारी। सो 17th of November के आज के दिन हम मिर्गी दिवस, जिसे हम नेशनल एपिलेप्सी डे कहते हैं, जी हाँ, एपिलेप्सी डे कहते हैं, और आज के दिन हमने काफी सारी बातें जानी है। सीरियसली मेरे को खुद को यू नो अभी के टाइम में बहुत लाइक ग्रेट फील हो रहा है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं ना, हम को बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पता है और हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, फिर भी हम है ना जो अनपढ़ लोग रहते हैं वैसे करते हैं काम, है ना, और सिचुएशंस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश जी, जो आप हमारे पास आए हो और इतनी सारी बातें कि भाई मैं तो मेरा तो फायदा ही फायदा हो गया और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा आपका शायद भी करना चाह रहे होंगे, क्योंकि काफी सारी जानकारी आपने थैंक यू सो मच।